भीषण गर्मी से परेशान अयोध्या वासियों के लिए प्री मानसून की पहली फुहार आई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पहली बारिश की बूंदों में ही अयोध्या का बुरा हाल हो गया। यहां तक कि कुछ महीने पहले ही जिस अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था उसकी बाउंड्री वाल भी बड़े स्तर पर ढह गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। 240 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था, तो वहीं बाउंड्री वॉल लगभग 20 मीटर ढह गई। आसपास की प्रमुख सड़कें कुछ देर की बारिश में ही जलमग्न हो जाने से लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन गई। इतना ही नहीं, बारिश होने से आसपास की कई घरों में भी पानी भरने की शिकायत लोगों ने सोशल मीडिया पर दी। अयोध्या में बड़े स्तर पर हुए निर्माण में कई नई सड़कें और रास्तों का भी निर्माण हुआ। इसमें कई सड़कों पर हल्की बारिश से ही जल जमाव की तस्वीरें लोगों ने पोस्ट की। खासकर अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरने को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर निर्माण गुणवत्ता को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही कई बड़े बदलाव देखने को मिले। नया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या नए तरीके से सवरा हुआ है। ऐसे में अयोध्या में कुछ देर की बारिश में रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरे जाने से लोगों ने खूब सुनाया। हालांकि अयोध्या में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मामूली राहत तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी, धूप और उमस से परेशान लोगों को बारिश की बूंदों ने राहत दी। ऐसे में अयोध्या दर्शन को आए देश भर के लोगों के लिए मौसम खुशगवार है। गौरतलब है कि इस वर्ष मानसून में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मानसून 1 जून को केरल आ चुका है। देश की दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश भी हो रही। हालांकि बिहार और झारखंड के अधिकांश भागों सहित उत्तर भारत के राज्यों में अभी बारिश का इंतजार। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हम कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।